साक्षात ब्रह्मा को बालक को बना दिया हो, कौन उसका वर्णन करे। एक बरस की कृष्ण हो गई, अभी तक नामकरण हुआ ही नहीं। श्री वसुदेव जी के मन में थोड़ी चिंता है। एक पुत्र दो वर्ष का हो गया, एक पुत्र एक वर्ष पार कर गया, इसलिए श्री वसुदेव जी ने अपने कुल के आचार्य गर्गाचार्य से कहा कि आप गोकुल जाइए और दोनों पुत्रों का नामकरण संस्कार करके आइए। लेकिन नंद जी को ये बात बिल्कुल विदित नहीं हो सकी, उनको पता नहीं लगे कि छोटा बाला भी मेरा पुत्र है। गर्गाचार्य जी गोकुल में आए, नंद बाबा ने उनका बहुत बड़ा स्वागत किया। आओ महाराज, बड़ी कृपा की आपने, कहां से पधारे। गर्गाचार्य जी बोले, कहीं नामकरण करना, कहीं ब्याह करना, अपना तो यही सब काम है। नंद जी बोले कि चौकी याद दिवाई, महाराज मेरे घर में भी दो दो लाला हैं और अभी काऊ को नामकरण संस्कार नहीं हो। गर्गाचार्य जी बोले, परंतु आपके पुत्रों का नामकरण मैं नहीं कर सकता, क्योंकि असल में बात ये है नंद जी के कि मैं हूं यदुवंशियों का आचार्य और विशेषकर वसुदेव जी के घर का पंडित हूँ। अब यदि मैं आपके पुत्र का नामकरण करूंगा तो कंस को ये शंका हो जाएगी कि कंस कहेगा कि वसुदेव के घर के पंडित ने नंद के पुत्र का नामकरण क्यों किया। इसका मतलब नंद के घर जो पुत्र हैं वो वसुदेव का है, फिर कोई नहीं, कोई राक्षस वो भेज देगा मारने के लिए। और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी बालक के जीवन में कष्ट आए। नंद जी ने कही, महाराज बात तो ठीक है, लेकिन कंस को जब पतो ही नहीं चलेगा तो राक्षस भेजेगा कहां से। गर्गाचार्य जी बोले, आप प्रत्येक कारण बड़ी धूमधाम से करते हैं। लाला का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया, उसमें भी पूतना आ गई। एक बरस का जन्मदिन मनाया, तब त्रिला व्रत आ गया। लाल के 6 महीने का उत्सव मनाया। यदि आपने नामकरण संस्कार भी इसी धूमधाम से मनाया तो उसी भीड़ में कंस का कोई न कोई राक्षस आ जाएगा। आपके पुत्र के जीवन में संकट आ सकता है। नंद जी बोले, नहीं महाराज, हम किसी को भी निमंत्रण नहीं देंगे, पर लाला का नामकरण आपके श्री मुख से होना चाहिए। ठीक है, लेकिन शर्त है कि आप किसी को निमंत्रण नहीं देंगे। यशोदा से नंद ने कहा, देखो देवी, नामकरण के लिए जल्दी चलो। लेकिन मैया ने सोची, ये सच्चा ज्योतिषी है कि नहीं, इसके लिए दोनों माताएं दोनों पुत्रों की अदला बदली करके अपनी गोद में लेकर गर्गाचार्य जी के सामने बैठी हैं। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, रोहिणी की गोद में बैठे हुए हैं श्री कृष्ण, और कृष्ण को संत गर्गाचार्य ने जैसे ही देखा, देखते देखते उनकी तो समाधि लग गई। आए थे नामकरण करने, पर कन्हैया की झांकी को देखकर अपना नाम भी भूल गए कि मैं कौन हूँ। गर्गाचार्य ने गोविंद को देखा, सोचा यही तो मेरा ब्रह्म है, यही तो साक्षात परमात्मा है।
ऐसी अद्भुत समाधि लग गई। अच्छा किसी व्यक्ति का मुंह खुला रह जाए, श्वास बंद हो जाए और आंखें भी खुली रह जाएं, तो आप क्या समझेंगे। अब दोनों माताएं गर्गाचार्य के चेहरे की ओर देख रही। रोहिणी मैया बोली, क्या हुआ? यशोदा बोली, भगवान जाने क्या हुआ है। दोनों माताओं ने गर्गाचार्य के मुंह के सामने हाथ ले जाकर घुमाया तो श्वास नहीं है। आंखों के सामने चुटकी बजाई, आंखों के पलक भी नहीं गिरते। यशोदा बोली, क्या हुआ? बाबा जी को। लेकिन रोहिणी बोली कि मुझे तो ऐसा लगता है महाराज जी पधार गए, महाराज जी निकल लिए। यशोदा जी दोनों हाथ पकड़कर बोली, अरे महाराज पधार क्यों गए? अरे पधारना ही था तो बाहर जाकर पधारते, मेरे घर में आकर काहे पधारे। अच्छा ज्योतिषी पकड़कर लाए जो घर में आते आते ही पधार गए, लोग क्या कहेंगे। दोनों माताओं ने गर्गाचार्य जी को जोर से झलका झकझोरा मारा तो गर्गाचार्य जी की समाधि टूट गई। बोले क्या हुआ। मैया बोली, तुम ठीक ठाक हो? गर्गाचार्य जी बोले, मुझे क्या हुआ था। अरे बाबा तुम्हारा तो मुंह खुला का खुला ही रह गया, आंखें खुली रह गई, हम तो डर गए। गर्गाचार्य ने सोचा, कब तक छुपाऊंगा, आज असली बात बता ही देता हूं। गर्गाचार्य जी ने कहा, मैया बताऊं मुझे क्या हुआ था। आपकी गोद में जो लाला बैठा हुआ है, ये साक्षात इतना बोले ही थे कि गोद में बैठे कृष्ण ने इशारा किया, बाबा यहाँ पुत्र बनने में ही आया, यहाँ पुत्र बनने में ही फायदा है, भगवान बनने में नहीं। मैया हमें पुत्र मानती हैं तो गोद में बिठाती हैं, अपना स्तन पान कराती हैं, लाड़ दुलाड़ करती हैं, क्योंकि मैं इनका पुत्र हूँ। कहीं तुमने हमें भगवान बना दिया तो भगवान की पूजा कैसे होती है आप सब लोग जानते हैं। भगवान को अलमारी में बिठा देते हैं, चार चिरौली सुबह चार शाम को भोग लगा देते हैं, दो अगरबत्ती सुबह दो शाम को घुमा देते हैं। यदि किसी पार्टी में जाना हो तो क्या करते हैं मालूम है, भगवान के सामने एक गिलास दूध धर दिया जाता है और कहते हैं, भगवान जी अब आपके लिए क्या चूल्हा जलाएं, सबका तो नौता है। आज दूध पीकर ही काम चला लेना, हम मालपुआ खाने जा रहे हैं। सो भगवान ने इशारा किया, गर्गाचार्य जी समझ गए। बोले, आपकी गोद में जो बालक बैठा है वो साक्षात गुणों का खजाना है। माता पहले क्या कहना चाह रहे थे, साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा में इसकी मस्तिष्क रेखा देखकर बताता हूँ कि रेखा देखने में जरा भी ध्यान भंग हो जाए तो फिर वो रेखा पकड़ में नहीं आती, इसलिए मेरी आंखें खुली की खुली रह गई थी। मैया बोली, इतनी लंबी रेखा हम तो एकदम डर गई थी, हमने तो सोची महाराज पधार गए, देख है अब नामकरण शुरू करिए। गर्गाचार्य ने देखा माताएं कितनी चतुर हैं, बच्चों की अदला बदली करके बैठी हैं। मेरी परीक्षा लेने के लिए संत गर्गाचार्य ने माता यशोदा की ओर देखा। यशोदा बोली, मैं बड़ी हूं,
पहले मेरे पुत्र का नामकरण करो। यशोदा की ओर इशारा करके गर्गाचार्य ने नामकरण किया। आइए एक कीर्तन